जहां जहां भी सुख होता है वहां एकाग्रता से होता है। अमुक वस्तु चाहिए चाहिए, वो वस्तु मिली, वहां चित्त एकाग्र हुआ, तब वस्तु में से सुख मिलता है। फिर चित्त दूसरी जगह बदल गया तो सुख गया। तो विवेकानंद कहते थे कि अगर मुझे फिर से पढ़ना पड़े तो मैं दो विषय पढ़ूंगा, एक एकाग्रता और दूसरी अनासक्ति। एकाग्रता और अनासक्ति आ गई तो बाकी के सारे रहस्य अपने आप खोले जाएंगे। एकाग्रता के द्वारा प्रकृति के द्वार पर पहुंच गए और प्रवेश मिल गया, फिर प्रकृति की कोई परिस्थिति में फंसना नहीं, ये अनासक्ति हो गई। तो एकाग्रता और अनासक्ति, जब चाहे मन वहां लगा दे, जब चाहे हटा दे। पशु के बच्चे में और मनुष्य में ये फर्क है कि पशु उतना याद नहीं कर सकता है, या उसको कराओ करेगा कॉपी फिर भूल जाएगा। तो पशु के बालक को, पशु को सिखाने में 6 महीने लगेगा, मनुष्य का बालक 6 दिन में 6 मिनट में वो बात पकड़ लेता है। तो सारी तपस्याओं में एकाग्रता ऊंची तपस्या है। तो भक्ति के रास्ते जाओ, ज्ञान के रास्ते जाओ, संसार में सफल होने के जाओ, तो संसार में भी बड़े आदमी और छोटे आदमी के बीच फर्क वही है कि IAS है, कलेक्टर है, तो पढ़ने में वो एकाग्र हुआ इसलिए कलेक्टर तक की यात्रा की, और दूसरे छोरे थोड़े लापरवाह रहे तो अभी चपरासी की नौकरी पे भटक रहे हैं, दोनों पड़ोस के। तो जितना जितना एकाग्र हुआ उतना उतना पढ़ने में एकाग्रता का खर्च हुआ आगे चढ़ा, और पढ़ने में एकाग्रता नहीं हुई नापास हो गए, विफल हो गए, ये हो गया। ऐसे ही भक्ति में भी साधु संत बहुत मिलते हैं, लेकिन जो एकाग्र और अनासक्त हो जाते वो ऊंचे महापुरुष हो जाते, बाकी के लोग फिर अमुक स्तर के। तो सारा निचोड़ यह है कि एकाग्रता अनासक्ति, जितना सच्चरित्र उतनी एकाग्रता अच्छी होगी। एकाग्रता में एक खतरा है कि कहीं पर मन एकाग्र हो गया तो उसको भोगने की पाने की नहीं, सदाचरण अपने योग्य है, ये पदार्थ ये वस्तु खाने के योग्य भोगने के, जहाँ तक एकाग्र मन और जहाँ तक फंसा तो संसार में फंस जाएगा। इसलिए भगवान में एकाग्र करो, भगवान सदा है, शाश्वत है, अपने आत्मा में लगाओ और फिर अनासक्ति रखो संसार में। तो सदचरित्रता, एकाग्रता और अनासक्ति, ये तीन चीजें सारे तालों की कुंजियां हैं, सारी सफलताओं की कुंजियां हैं। भगवान ने कहा तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ये कृष्ण ने कहा, ज्ञानी भ्यो मतो अधिका, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी। तपस्वी से भी योगी अधिक है, ज्ञानी विद्वान से भी योगी अधिक है, कर्मकांड के कुशल व्यक्ति से भी योगी एकाग्र अधिक ऊंचा है। तस्मात योगी भवा अर्जुन, अर्जुन इसलिए तू योगी हो। और योगियों में भी जो अंतर आत्मा से मुझे भजते हैं, श्वास अंदर गया मेरा नाम लिया, बाहर गया गिना, ये अंतर आत्मा की यात्रा तुमको सिखाई, वो करते रहना, बच्चे बच्चियां और सब साधक, जितना हो सके कम बोलना, संयमी रहना, एकाग्रता अनासक्ति सच्चरित्रता। इसमें जप प्राणायाम श्वासोश्वास की गिनती अच्छे पुस्तक का पठन और सात्विक खुराक, जैसा तैसा अच्छा संग करें। कबीर जी कहते कि नित्य संतों का दर्शन करें, नित्य ना कर सके तो सप्ताह सप्ताह करी ले, सप्ताह सप्ताह में ना करी सके तो पाख पाख करी ले। कहे कबीर पाख पाख ना कर सके तो मास मास करी ले, कहा कबीर काल दगा नहीं दे। तो संतों का संग करने से उनकी एकाग्रता, उनका भजन, उनका भाव हमारे हृदय में और उत्साह बढ़ता है, तो हम हल्के कर्मों से, हल्के भावों से, हल्की वासनाओं से, चंचलताओं से बच जाते। तो ये बच्चों का, बड़ों का, सभी का अनुभव है कि घर में रहते इतना आनंद, इतनी भक्ति नहीं होती। जब अपन ये रास्ता सड़क से थोड़ा सा आश्रम की सड़क पे पैर रखते ही अपना मन बदल जाता है, जो ऐसा अनुभव जिनको भी होता है हाथ ऊपर करो, सभी को होता है।
तो जहां जप तप होता है, सच्चरित्र और भगवान की चर्चा होती, वो भूमि अपने आप में प्रभावशाली हो जाती। तो उसको बोलते तीर्थ, तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी, जो एकाग्र सच्चरित्रवान और अनासक्त है वे तीर्थंकर बन जाते हैं, तीर्थमेकर।